भगवान के जन्म पर तीनों लोकों में आनंद छा जाता है। गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक अधिकतर स्वर्गों के देव ही मनाते हैं। जब अधर्म के पथ चलने वाले बढ़ने लगते हैं, धर्म की प्रति रुचि समाप्त होने लगती है, पाप बढ़ने लगते हैं, तो उस समय तीर्थंकर इस धरा पर जन्म लेते हैं। जैसे जैसे मनुष्यों को धर्म से ग्लानि होने लगती है, तब धर्म के उत्थान के लिए, जगत के प्राणियों के कल्याण के लिए कहच कहते, तब तब धर्म का जन्म होता है। ये बात मेडिटेशन गुरु मुनि श्री विहसंत सागर महाराज ने आज शनिवार को भगवान पार्श्वनाथ एवं चंद्र प्रभु के जन्म एवं तप कल्याणक पर महामस्तिकाभिषेक जिनेन्द्र महाअर्चना पर मुनि सुव्रत नाथ दिगंबर जैन मंदिर पर धर्म सभा को संबोधित करते हुए कही। मंच पर मुनि श्री विश्व सूर्य सागर महाराज एवं एलक विनियोग सागर महाराज मौजूद थे। मुनिश्री ने कहा कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जब धर्म की हानि होती है, पापाचार बढ़ता है, तब तब भगवान का जन्म होता है। जब धर्म का लोप होने लगता है, अधर्म बढ़ता है, तब भगवान का जन्म होता है। कल्याण का अर्थ कल्याणकारी महाअर्चना है। सन्मार्ग धर्म के मार्ग पर चलने से दुर्गति से बचा जा सकता है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नरोत्तम मिश्रा व इमरती देवी ने भी मुनिश्री से आशीर्वाद लिया। महामस्तिकाभिषेक एवं जिनेन्द्र महार्चना में गूंजे जयकारे। जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु एवं 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी के जन्म एवं तप कल्याणक पर मुनि श्री विहसंत सागर जी महाराज के सानिध्य में ग्वालियर के प्रतिष्ठाचार्य पंडित शशिकांत शास्त्री के मार्गदर्शन में भगवान चंद्र प्रभु और पार्श्वनाथ का महामस्तिकाभिषेक इंद्रों ने जयकारों के साथ किया। मनीश्री ने अपने मुखारविंद से मंत्रों का उच्चारण कर भगवान की शांति धारा रामजी लाला अशोक कुमार कपूर जंद जैन एवं विनोद निलेश जैन ने की। जिनेन्द्र महार्चना के सौधर्म इंद्र श्रेयांश जैन आशीष जैन सहित इंद्रा इंद्राणियों ने पीले वस्त्र धारण कर संगीतकार मनोज जैन भरतपुर के भजनों पर झूमते हुए जयकारों के साथ विधान के मढ़ने पर समर्पित किया। दिल्ली से नृत्य कलाकार मार्टिन एवं डबरा की बालिकाओं ने जन्मोत्सव पर नृत्य की प्रस्तुतियां सब मनाया गया है। आम जन को क्या संदेश देंगे, उनके जीवन से क्या शिक्षा हमें लेनी चाहिए? सबसे पहले तो सभी लोग को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज एक साथ हमारे 24 तीर्थंकरों में 8वें नंबर के चंद्र प्रभु भगवान और 23वें नंबर के पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक और तप कल्याणक एक साथ आज तिथि में पड़ा हुआ है। और इन्होंने हमारे तीर्थंकरों का जो जन्म होता है फिर दोबारा जन्म नहीं लेते। उन्होंने अपने जन्म को सार्थक इस प्रकार से कर लिया, उनकी माँ ने 16 सपने देखे थे और हर एक सपने को उन्होंने पूरा किया। आज के हिसाब से ये देखा जाए कि हर माँ बाप एक सपने देखता है कि मरते समय मेरा बच्चा मेरे साथ रहे और मुझे कम से कम 10 अग्नि जो होती है शरीर पर वो जरूर दे। पर तीर्थंकर के माँ पिता ऐसे सपने नहीं देखते, वो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाते हैं। और जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि जो नरक है, नरक जो धरती के नीचे नरक है बसा हुआ, वहां पर 24 घंटे मारकाट और अशांति का माहौल होता है। लेकिन जब तीर्थंकर का जन्म लेते हैं या निर्वाण की प्राप्ति करते हैं या दीक्षा लेते हैं, कोई भी कल्याणक होते हैं उनके, उस समय के लिए एक क्षण के लिए शांति का अनुभव हो जाता है। और 12.5 करोड़ बाजे एक साथ हर ध्वनि के बजते हैं। ये तीर्थंकर का जन्म उत्सव ये कहता है कि जो व्यक्ति तीर्थंकर के कल्याणक में, जन्म के कल्याणक में सहयोगी बनता है, उसके घर में भी कल्याणक नियम से होते हैं। और आज तीर्थंकर के जन्म कल्याणक के शुभ अवसर पर मुनि सुव्रतनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात रखी हमारे आज के मुख्य अतिथि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने भी इसमें कुछ अनुदान की अपने भाई की तरफ से घोषणा की। अपनी पूर्व विधायिका इमरती देवी जी ने भी घोषणा की। समाज के और भी लोगों ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार में अपना पुण्य का संचय करने का भाग देखा और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया गया। छोटे छोटे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किए गए। कहने का मतलब, एक जन्मदिन एक सामान्य ग्रस्त का मनाया जाता है तो केक काटता है, मोमबत्ती बुझाता है और मिठाइयाँ देता है, नए कपड़े पहनता है। लेकिन मैंने लोगों को संदेश ये दिया कि जब तीर्थंकर का जन्म कल्याणक हो तो भूखे को रोटी खिलाएं। जिनके पास वस्त्र नहीं है, ठंड का समय है, उनको जाकर वस्त्र पहनाएं। दूसरा, केक काटे नहीं, भोजन कराएं। मोमबत्ती फूके नहीं, थूके नहीं, अपितु किसी के घर में जहाँ लाइट नहीं है बुझे हुए दीपक हैं या मंदिर में जाकर एक दीपक जलाएं। यही तीर्थंकर का संदेश था कि हमारे साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाए।
यही चंद कर्णक का सबसे बड़ा तप कर्णक का अवसर है। बगल में सोनागिर है जहाँ चंद्रपुर भगवान का समूषण आया था 16-17 बार। ये हमारे लिए बहुत अच्छी भाग की बात है कि आसपास क्षेत्र बड़ा सिद्ध भूमि के कारण मनोरम और लोगों की भावनाएं बड़ी अच्छी धार्मिक बन जाती है। कई प्रकार के लोग हमारे बीच जैसे ग्वालियर, आगरा, उमरी, आसपास के क्षेत्रों से भीतरवा, डबरा, नरवर, मगरौनी से भी लोग आए और सभी लोगों ने इस महोत्सव को, क्योंकि मंदिर में तो महोत्सव मनाते हैं पर किसी गुरु के सानिध्य में मनाते हैं तो उसको बहुत अच्छा संदेश पहुंचता है। और आज सभी लोग, पत्रकार बंधुगण भी, आसपास के क्षेत्र के लोग भी इस महोत्सव को मना रहे हैं। अभी महोत्सव दोपहर तक मना है, शाम के और अच्छे रंगारंग कार्यक्रम के साथ इसको समापन देंगे।